नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 24 फरवरी 2018 को आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की एनालिसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की न्यूज़ में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी वह यह थी कि इलेक्शन कमीशन ने 58 राज्यसभा सीट्स के लिए इलेक्शन कराने का अनाउंसमेंट किया है। तो हम यह समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है, उसके कम्पोजिशन क्या होते हैं, उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दूसरा न्यूज़ था वह है कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है धनुष बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा कोस्ट से। तो हम ये समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, साथ ही साथ धनुष बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो क्या है, किस मिसाइल के अंतर्गत आता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं। तीसरी जो न्यूज़ थी वह है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीज़ा अप्रूवल को थोड़ा टफ कर दिया है, और इसी वजह से हमारे इंडिया के जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर अमेरिका में काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, H-1B वीज़ा होता क्या है, इस चीज़ को हम इस न्यूज़ में समझेंगे। चौथी जो न्यूज है वह है कि 9 मेडल्स इंडिया ने हासिल किए हैं स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, जो कि सोफिया बल्गेरिया में हेल्ड किया गया था। तो आपको जगह का नाम बेसिकली याद रखना है कि बल्गेरिया के सोफिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड किया गया था, साथ ही साथ उसने 9 मेडल जीते, तो उसमें MC मैरी कॉम भी शामिल हुई थी। अब चलते हैं हम न्यूज के एनालिसिस में। चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने बाईपोल इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया 58 राज्यसभा सीट्स के लिए। देखिए इलेक्शन कमीशन होता क्या है, ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। हमारे संविधान में इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 324 में। ओके, अब यहाँ ये आपको खास करके अपने दिमाग में रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन हेल्ड करवाता है। ओके, पहला जो इलेक्शन हेल्ड कराता है वो करवाता है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो हेल्ड कराया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य विधानसभा, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं राज्य विधान मंडल, लेजिस्लेचर जो होता है वो विधान मंडल को कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा हो गया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्विवेलेंट टू लोकसभा ऑफ सेंटर और यूनियन, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इक्वल टू द राज्यसभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही नज़र सुपरविजन में किया जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, जिसमें हमारे पिछले साल वाइस प्रेसिडेंट बने थे श्री एम वेंकैया नायडू जी, उनका भी इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ओके, ये चार मुख्य इलेक्शंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में आते हैं, लेकिन कुछ इलेक्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, और वो इलेक्शन है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के। जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होते कौन कौन है, तो बेसिकली इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और साथ साथ उसमें उनके अलावा भी दूसरे मेंबर हो सकते हैं एज पर प्रेसिडेंट्स विश। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो समय समय पे उसमें उनके नंबर्स को घटा बढ़ा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। उनके कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर, कितने समय तक काम करेंगे ऑफिस में, ये सारे के सारे हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा डिटरमिन किया जाता है। 1993 अक्टूबर से अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में काम करता आ रहा है, और अब के समय में इलेक्शन कमीशन में बेसिकली 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सभी को इक्वल सैलरी, अलाउंसेस और दूसरी भत्ताएं मिलती हैं, और ये सारे जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं वो इक्वल टू जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट होता है। आप ध्यान से सुनिए, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट होता है, इसको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में आते हैं एग्जामिनेशन में। वहां पे आपको ध्यान रखना है कि इनकी सैलरी, अलाउंसेस, अदर प्रीक्विजिट्स जो होते हैं वो एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वो ऑफिस
में जब जाते हैं, ज्वाइन करते हैं एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 6 साल तक रह सकते हैं या फिर 65 साल की उम्र तक। इनमें से जो भी पहले आ जाए उसके अकॉर्डिंग उनकी रिटायरमेंट होती है। वो चाहे तो अपना समय पूरा होने के पहले भी रिजाइन दे सकते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको इतनी आसानी से भी नहीं हटाया जा सकता है। उनको हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पारित किया जाना चाहिए, और वो भी तब उनके खिलाफ ये रिजोल्यूशन पास होगा जब वो प्रूफ किया जाएगा कि वो उनका बिहेवियर जो था वो अच्छा नहीं था या वो इनकैपेबल है अपने पद को निर्वाह करने में। ऐसे सिचुएशन में ही उनको हटाया जा सकता है। यानी बेसिकली इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है। बिना किसी रिजोल्यूशन के पास किए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या जो 3 इलेक्शन कमिश्नर है उनको नहीं हटाया जा सकता। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो होता है रीजनल कमिश्नर को हटा सकता है, लेकिन तभी हटाया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लिए हटाने के लिए रिकमेंड करे। बिना उसके रिकमेंडेशंस के उसको नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हटाने की प्रक्रिया तो आपने जान लिया, अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया तो जान लिया, संविधान इसको लेकर के क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, ये समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशंस के बारे में कोई प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के क्या क्वालिफिकेशंस होंगे उनके कमिश्नर के, उसके बारे में कोई भी प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म्स यानी कितने समय तक कोई इलेक्शन कमिश्नर काम करेगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो 65 साल की उम्र तक या 6 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर के बारे में और उसके क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी इलेक्शन कमिश्नर के रिटायर होने से डिबार्ड करने की कोई बात नहीं की है। ठीक है, या फिर ये भी नहीं कहा है कि उसको गवर्नमेंट के द्वारा कब अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 फंक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है बेसिकली प्रशासनात्मक कार्यवाही करना, प्रशासनिक कार्यवाही करना। एडवाइजरी मतलब राष्ट्रपति को वो एडवाइस दे सकता है, इलेक्शन कराने का समय आ गया है अब क्या किया जाए, या फिर राष्ट्रपति भी उनसे सलाह ले सकते हैं। और क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक, यानी कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 2 पार्टीज के बीच में क्लैशेस हो गए, किसको सिंबल मिलेगा, जैसे पिछले साल हुआ था सपा पार्टी को लेकर के कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के बीच में दोनों पार्टी में चल रहा था कि जो साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है वो किसे मिलेगा। तो ये डिसीजन लेने का जो हक है ये इलेक्शन कमीशन के पास है, यानी ये अर्ध न्यायिक संस्था भी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 5 सदस्यीय बॉडी है। दूसरा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो होते हैं, गृह मंत्रालय, वह यह निश्चित करते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल क्या होगा, जनरल इलेक्शन का भी और बाई इलेक्शन का भी। तीसरा स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है। किस बात को लेकर के? कोई भी पार्टी स्प्लिट कर रही है या कोई पार्टी मर्जर कर रही है, इसको रिकॉग्नाइज पार्टी अगर है तो इनकी स्प्लिट्स और मर्जर के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। ये 3 स्टेटमेंट है। उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, एंड डी 3 ओनली। अभी देखिए आंसर आप देख सकते हैं क्लियरली, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 5 सदस्यीय बॉडी है। आप जानते हैं, अभी अभी आपने सीखा है कि उसमें केवल 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो 1 तो क्लियरली नहीं होगा। दूसरा, आपने कहीं भी अभी तक इलेक्शन कमीशन की इतने सारी बातें मैंने आपसे कही उसमें कहीं भी आपने होम अफेयर्स के बारे में सुना? नहीं सुना। होम अफेयर्स का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फिलहाल तो कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि सीआरपीएफ को अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन जब आता है तो जांच वगैरह करने के लिए, तो वो एक अलग बात है, वो सिक्योरिटी के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, बट होम अफेयर्स से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। थर्ड,
इलेक्शन कमीशन जो होता है वो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, ये सही बात है। हमने अभी अभी आपको बताया कि क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह वो काम करता है। तो ऑप्शन वन और ये वन और टू जो है वो बेसिकली गलत है, थ्री जो है वो करेक्ट आंसर है। सो हेयर द आंसर विल बी डी, थ्री ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वह है कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था न्यूक्लियर कैपेबल धनुष बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा कोस्ट पे। तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का मैं बता रहा हूँ, वो ट्रेजेक्ट्री होता है। ट्रेजेक्ट्री मतलब आप एक पत्थर को ऊपर हवा में फेंकते हैं, वो जो पाथ फॉलो करता है, पत्थर कैसा पाथ फॉलो करता है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये पाथ केवल बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। एक और मिसाइल होता है, वो होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होता है वो जीपीएस गाइडेड मिसाइल होता है, मतलब वो एकदम सीधा ऊपर जाता है आसमान में और फिर वहां से एक डेफिनेट एंगल पे मुड़ करके टारगेट को हिट करने के लिए उसको भेजा जाता है। साथ ही साथ उसको बीच में गाइड भी किया जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, ट्रेजेक्ट्री पाथ, क्रूजर मिसाइल, गाइडेड ट्रेजेक्ट्री होता है उसका। अब आगे बढ़ते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? ये एक हाई आर्किंग ट्रेजेक्ट्री। आर्किंग ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है, आर्क मतलब एक तरह से धनुष आप समझ सकते हैं, ठीक है, बो। ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ फॉलो करता है। इसको इस तरह से एंगल पे सेट करके फायर किया जाता है कि वो उस टारगेट को ही जाकर के हिट करे, इधर उधर डेविएट ना हो। ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। धनुष जो है, धनुष का नाम बेसिकली बो से लिया गया, जो धनुष हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे महाभारत या जितने भी पुरानी कथाएं हैं उसमें धनुष का बहुत इस्तेमाल होता था युद्ध में। धनुष जो है वो एक सरफेस टू सरफेस या शिप टू शिप पृथ्वी 3 मिसाइल का एक वेरिएंट है, ओके। और इसको इंडियन नेवी ने डेवलप किया है। यह कैपेबल है न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल वॉरहेड्स को कैरी करने में। ध्यान रखिएगा, दोनों को कैरी करता है। तो अगर ओनली लिखा मिले कहीं ऑप्शंस में कि इट कैन कैरी ओनली न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो आप समझ जाइएगा कि वो गलत ऑप्शन है। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड्स को वो कैरी करता है। डेवलप किया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। हमारे देश में जितनी भी मिसाइल्स वगैरह डेवलप की जाती हैं वो सारे के सारे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जाता है। लेकिन जो सैटेलाइट्स डेवलप किए जाते हैं वो किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। इसके यूजेस क्या क्या है? धनुष मिसाइल जो है वो एक एंटी शिप वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है लैंड टारगेट को ये डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द रेंज, किस रेंज से आ रहा है मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक मिसाइल छोड़ा गया, ओके, दूसरा मिसाइल जो है वो यहाँ से छोड़ा गया और ये दोनों यहाँ पे जा करके ब्लास्ट कर रहे हैं। तो अपने कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने में ये जो धनुष मिसाइल है ये काफी मदद करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था कि H-1B वीजा अप्रूवल जो है उसको टफ कर रहे हैं हम लोग। तो वो लोग अगर H-1B वीजा टफ कर रहे हैं तो उसको तो हम समझेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि H-1B वीजा होता क्या है भाई साहब। H-1B वीजा वो होता है जो यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो वहां पे काम करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कुछ पैसा कमाने जा रहे हैं, अपनी सर्विस देने जा रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, कंपनी के तरफ से जा रहे हैं, उन लोगों को H-1B वीजा प्रोवाइड किया जाता है। इसका रूल ये होता है कि अगर आप वहां काम करने गए हैं, आपको जिस कंपनी में हायर किया गया था आपको उस कंपनी में काम करने के लिए H-1B वीजा प्रोवाइड किया गया, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने साल के लिए भी दिया जाता था, ठीक है। अगर आपको उस कंपनी ने बीच में किसी कारणवश निकाल दिया तो आपको दूसरा जॉब वहां पकड़ना है। अगर आप जॉब नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपका वो वीजा वीजा जो है वो अमान्य माना जाएगा और आपको वापस यूएस छोड़ के अपने घर आना पड़ेगा। ये था कंडीशंस। अब जो टफ किया गया है रूल, वो ये किया गया है कि H-1B वीजा को केवल एक डेफिनेट पीरियड के लिए ही असाइन किया जाएगा, उनको इशू किया जाएगा, और जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है यू विल नॉट बी अलाउड टू सर्च फॉर अनदर कंपनी, यू हैव टू लीव द यूएस इमिडिएटली एंड कम बैक टू इंडिया, ओके, और वॉट एवर कंट्री यू बिलोंग्स टू अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, ओके। सो आपको अपनी कंपनी छोड़ करके अपने घर वापस आना पड़ेगा, आप लौट चले, ओके। सो H-1B वीजा जो है वो 3 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं किया जाएगा, ओके। अब इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा?
इंडिया पे असर ये पड़ेगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज काम करते हैं, और आप जानते हैं कि भैया आज के समय में इंजीनियर लोग बहुत आ गए हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट ये सही बात है कि कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत अधिक जनसंख्या हमारी काम करती है, और उन सबका सपना होता है कि हम यूएस जा करके काम करें। लेकिन अगर ये ऐसी पॉलिसी आएगी तो निश्चित तौर पे उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे, वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। और हम जानते हैं कि हमारे देश के करेंसी की वैल्यू और यूएस के करेंसी की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। सर्विस सेक्टर में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जानते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इकोनॉमी डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए इंसान को वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ गए बिना सीख नहीं सकते हैं। तो इससे हम अपने यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से काउंटर कर पाएंगे। काउंटर करने का मतलब है कि वो हमारा ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या अभी आप समझ रहे हैं कि क्या है। फिर भी अगर ऐसे सिचुएशन में यूएस में H1B वीजा को टफ किया गया, तो जो वहां पे काम करने वाले लोग पहले से बसे हुए हैं वो जॉब छोड़ करके उनको इंडिया में आना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के GNP पे इनवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP एक चीज होता है और एक GNP होता है। GDP वो होता है जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी हमारे देश के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके टोटल आउटपुट को जोड़ दिया जाए और उसमें से हमारे खर्चे को माइनस किया जाए, और साथ ही साथ विदेशों से हमारे यहाँ जो काम करने लोग आ रहे हैं उनके पेमेंट्स को माइनस कर दिया जाए, बाकी जो बचा उसको हम लोग GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश के अंदर डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस हुआ उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP वो होता है जो हमारे देश के बाहर जो काम कर रहे हैं हमारे लोग, वो वहां से पैसे कमा करके जो हमारे देश में भेज रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया है? अब अगर यूएस में उन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है हमारे देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो डिटेरियोरेट होगी। तो आज के न्यूज में इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मैं निश्चित तौर पे उसे सॉल्व करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।